वहां मेला प्रांगण में बैठे हुए सभी चिकड़ी के शौकीन श्रोता, मेरे दादा पिता समान सभी बुजुर्ग कमेटी, सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों में भानु प्रताप काने का बाजना मथुरा की तरफ से प्यार भरी नमामि नमस्कार, राम राम साहब। सज्जनों, आप जैसे विद्वानों के दर्शन पहली बार हुए हैं और मास्टर जी क्या बताया है, उठार क्या लिखा भैया, कैसा मेरी आत्मा, कैसा मेरी आत्मा, और जाम है दिल के चैन, जाम नहीं जिनमें बसे, सुने हैं बोले। सज्जनों, ज्यादा समय ना लेते हुए आप जैसे विद्वान ही बताते हैं, बाबा साहब जिगड़ी की मेन चीज धरोहर साखी होती है, सुनेंगे साखी किस तरह से मास्टर जी। हो निशाना उसे कहते हैं जो जख्म कर दे कलेजे में, गाना उसे कहते हैं, और सुनेंगे क्या तेरे संग ना जाएगो,
ऐसा कोई शेष प्रसंग नहीं, ऐसी कोई शेष कथा नहीं जो आपने अपने कानों द्वारा 10-20 बार ना सुनी हो। लेकिन गाने वाले के ढंग अलग अलग होते हैं बाबा साहब। मेरा प्रसंग आपके सामने, करण की शादी, एक समय का जिक्र है। दुर्योधन राजा होते हुए भी अपनी रानी भानुमती के महलों का पहरा दे रहे। अर्धरात्रि का समय है, दुर्योधन से करण मिलने के लिए जाते हैं बाबा साहब। देखते हैं कि दुर्योधन राजा होकर के भी अपनी रानी भानुमती के महलों का पहरा दे रहे हैं। कहने लगे क्या बोले सोच आ सजनो। आज करण ने जवाब दिया, भैया दुर्योधन तुम इतने बड़े महारथी हो, इतने बड़े योद्धा हो और अपनी रानी भानुमती के महलों का पहरा दे रहे हैं, क्या कारण है? के छत्रपति दुर्योधन राजा, छत्रपति दुर्योधन राजा और तेरा नभ में छत्र लहराया है, ताप धूप तो व्यापे नहीं तेरी पंछी करते, के बल्कि तो में कमी नहीं, बल्कि तो में कमी नहीं, भैया क्यों हिम्मत हारा और मैं हाल बता दे। आहा सज्जनों, आज इतने बचनों को सुन रहे हैं और क्या कह रहे हैं भैया करण, सुनेंगे गाहे से पहले मराठी होती है और सुनेंगे किस तरह से भैया जी। और पीरो पर गायो और गात बताए दे, भैया और ले बात मेरे सुने कर सो। मास्टर जी क्या कह रहे हैं, ढाक कर सो तू हो तो जाए रहा कजरी बन को, क्या कछु तो मुखते बोल, भैया कछु तो मुखते बोल, भेद दे खोल यार में तेरा और मैं हूं फरज निभाए दूंगा देख बल अजमाए ले। सुनेंगे सज्जनों गाया और नौहवारी को गाया सुनेंगे सज्जनों, ऐ सुनाए राजस्थान में गाड़ी सीधा जामे और पता भी ना चले। मनाए ध्यान चरणन में लाऊं,
आज दुर्योधन करण को जवाब देने लगते हैं। कहने लगे भैया करण सारी बातें बताने योग्य नहीं होती। क्या बोलो सोच करे दुर्योधन, मास्टर जी क्या बोलो सोच करे दुर्योधन, और जाके तन पे उदासी छाइया और फूल कुमल सो चेहरा जाको रहो बुकट जाइए। सो कौन सो दर्द कहूं में दिल को, भैया कौन ते दर्द कहूं में दिल को, बहुत भई अब देरी और भैया को शर्म ढकेगो। आह सज्जनो, आज दुर्योधन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और किस तरह से मास्टर जी क्या कह रहे हैं, और बल में मोते पर समाया और ने पेट मेरी नाई काटी है और महलन की जब महलन की और महलन की जब याद करूं तो लसाज पटे मेरी जवाब दिया के बल में मोसे परे सबायो, बल में मोसे परे सबायो और पेस मेरी ना खाती है और महलन की जब याद करूं तो सोच फटे मेरी। के बांध खंभ से मुझको देता, बांध खंभ से मुझको देता, असली बिस्यर कारो है रानी के संग भोग करे कहे लखनियों बर के। आहा सज्जनो, दुर्योधन ने हाल बता दिया है। कहने लगे भैया आप उसका एक बार मुझे नाम बता दीजिए और किस तरह से क्या कहने लगे आज। और वो तो फूल कुमार बदलायो।